Hello friends, welcome to my channel Geeky Ray and welcome to another movie recommendation video. In this video, मैं एक बार फिर से horror movies recommend करूंगा, पर इस list के सारे movies non-English horror movies होंगे. इनमें से कुछ तो English dub में भी नहीं मिलेंगे, पर list के सारे movies बहुत ही अच्छे हैं और डरावने भी हैं, तो check them out. और last के दो movies तो मेरे favorite हैं, तो please video को आखिर तक देखना. And friends, movies and series recommendation के more videos के लिए please subscribe to my channel. मैं daily ऐसे videos upload करता हूँ, तो without wasting any more time, let's start with the video. लिस्ट की पहली मूवी है 2004 की शटर. ये एक थाई हॉरर फिल्म है. मूवी की कहानी है एक फोटोग्राफर तुन और उसके गर्लफ्रेंड जेन की. एक दिन वो दोनों एक पार्टी से लौट रहे होते हैं और रास्ते में एक्सीडेंटली एक लड़की को कार से हिट कर देते हैं, पर फिर उस लड़की को हेल्प किए बिना ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं. उसके कुछ दिनों बाद से ही तुन के फोटोग्राफ्स में एक अजीब से मिस्टीरियस व्हाइट शैडो अपीयर होता है. जेन को लगता है कि शायद इसके पीछे कुछ सुपरनैचुरल है. फ्रेंड्स, इस मूवी को देखने के बाद जब भी मुझे नेक पेन होता था तभी मुझे इस मूवी की याद आती थी और डर लग जाता था. क्यों ऐसा होता था ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी. ये मूवी मैंने बहुत ही पहले देखी थी और फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ही स्कैरी लगी थी. स्टोरी भी काफी यूनिक है. और हाँ, असली हॉरर देखना चाहते हो तो ओरिजिनल थाई वर्जन ही देखना, क्योंकि इसका एक हॉलीवुड रीमेक भी बन चुका है 2008 में. वो इतना डरावना नहीं था, पर फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है. और लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है रॉ. ये 2016 में बनी एक फ्रेंच बॉडी हॉरर मूवी है. फिल्म की कहानी है जस्टिन की, जो एक स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करती है और वेटरनरी कॉलेज में पढ़ने जाती है. पर वहाँ उसके साथ फर्स्ट ईयर में रैगिंग होता है और उनको रैबिट का रॉ मीट खाना पड़ता है. और उसके बाद से जस्टिन को मीट का अनस्टॉपेबल क्रेविंग होने लगती है. फिर जस्टिन के लाइफ में क्या होता है वो देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी. ये मूवी इतनी डरावनी तो नहीं है, पर बहुत ही यूनिक और इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है. करंटली कहीं स्ट्रीम नहीं कर रही, तो आपको इसे इंटरनेट पर ढूंढना होगा. और लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है द वेलिंग. ये एक 2016 में बनी साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है. फिल्म की कहानी है कोरिया के एक छोटे से गांव की, जहां एक मिस्टीरियस बीमारी के कारण लोग पागल हो रहे हैं और वायलेंट मर्डर्स कर रहे हैं. तब इन सब इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं पुलिस ऑफिसर जोंगो. और इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें पता चलता है कि एक जापानीज आदमी के आने के बाद से ये सब अजीबोगरीब इवेंट्स होना शुरू हुए हैं. अब जोंगो को अपनी बेटी और पूरे गांव को इस बीमारी से बचाना होगा. ये मूवी पार्ट सस्पेंस थ्रिलर है और पार्ट हॉरर मूवी है. और ये मूवी सिर्फ जंप स्केयर्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस मूवी की एटमॉस्फेयर और स्टोरी ही मूवी की मेन हॉरर है, जो एंड तक आपको एंगेज रखती है. और आप द वेलिंग को देख सकते हो प्राइम वीडियो पर. लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है द ऑर्फनेज. ये 2007 में बनी एक स्पैनिश गॉथिक हॉरर फिल्म है. फिल्म की कहानी है लॉरा, जो अपने बचपन के ऑर्फनेज को खरीदती है और उसे एक चिल्ड्रन होम बनाना चाहती है. लेकिन लॉरा की लाइफ तब बदल जाती है जब उसका एडॉप्टेड बेटा साइमन उसी बिल्डिंग से गायब हो जाता है. तब लॉरा के बचपन के कुछ पुराने दोस्त उसकी हेल्प करते हैं सच्चाई ढूंढने के लिए. इस मूवी में भी जंप स्केयर से ज्यादा स्टोरी और इमोशन पर फोकस किया गया है, जिसका रिजल्ट है एक बहुत ही एंगेजिंग हॉरर ड्रामा फिल्म. और ये फिल्म तो करेंटली कहीं स्ट्रीम नहीं कर रही है, तो आपको इसे इंटरनेट पर ढूंढना होगा. और इसकी नेक्स्ट मूवी है कॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम. ये एक साउथ कोरियन फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म है. मूवी की कहानी है एक ग्रुप की, जो एक हॉरर रियलिटी शो बनाते हैं और वो शो के लाइव स्ट्रीम के लिए एक हॉन्टेड असाइलम में जाते हैं. ये अबैंडन्ड असाइलम जो कोरिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के लिए इनफेमस है, पर फिर भी ये क्रू ज्यादा पब्लिसिटी और व्यूज के लिए यहाँ चले जाते हैं. पर उनको ये नहीं पता था कि असाइलम के अंदर के लोग भी उनका ही इंतजार कर रहे होते हैं. कॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम काफी स्कैरी मूवी है और फाउंड फुटेज जॉनरा की है, तो डर और भी ज्यादा लगता है. और सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, तो मूवी का हॉरर एटमॉस्फेयर बहुत ही इमर्सिव लगता है. अगर आप फाउंड फुटेज जॉनरा के फैन हो तो आपको ये मूवी और नेक्स्ट वाली मूवी दोनों ही बहुत अच्छी लगेगी. एंड लिस्ट की लास्ट मूवी है रेक. ये एक 2007 में बनी स्पैनिश हॉरर फिल्म है. फिल्म में एक टीवी रिपोर्टर एंजेला और उसका कैमरामैन लोकल न्यूज कवर करने के लिए एक फायर स्टेशन के नाइट शिफ्ट को कवर करने जाते हैं. और तभी एक इमरजेंसी कॉल मिलती है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से. वहां जाने के बाद पता चलता है कि बिल्डिंग में कोई इन्फेक्टेड है, पर तभी बिल्डिंग को बाहर से सील कर दिया जाता है और बिल्डिंग के लोग, फायर डिपार्टमेंट के लोग और एंजेला सभी उस बिल्डिंग में फंस जाते हैं. और फिर उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि क्यों उन
सबको क्वारंटीन में रखा गया है। रिकॉर्डिंग एक इंटेंस फाउंड फुटेज फिल्म है जिसमें कई जंप स्केयर्स भी है और एटमॉस्फेरिक हॉरर भी है। मूवी के लीड एक्ट्रेस ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और फाउंड फुटेज जॉनर की है तो हॉरर सीन्स बहुत ही स्कैरी लगते हैं। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है हॉरर फैंस के लिए, पर अभी कहीं स्ट्रीम नहीं कर रही है। हाँ फ्रेंड्स, इसका एक हॉलीवुड रीमेक भी बना था क्वारंटीन, पर वो इतना अच्छा नहीं है, पर आप उसको स्ट्रीम कर सकते हो प्राइम वीडियो के सोनी पिक्चर्स चैनल पर। एंड दैट्स द लिस्ट फ्रेंड्स, और मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। एंड फ्रेंड्स, मोर मूवीज एंड सीरीज रिकमेंडेशन वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।